जिस सीरीज का इंतजार आप लोगों को बेसब्री से होता है, उस सीरीज का पार्ट 3 लेके आ गया हूँ। तो हो जाओ रेडी इन मूवीज को मस्ट वॉच करने के लिए। और एक बात, इन मूवीज के मैं हिंदी नाम बताऊंगा, तो कोई मुझे कमेंट में ये मत लिखना कि इनके नाम कुछ अलग है। जब तक तुम्हारे जैसा दमखम वाला इंसान है। नंबर 5 की मूवी को शायद बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा। 2014 में रिलीज हुई सबसे बढ़कर हम 3। अपने नाना को अपनी फैमिली से मिलाने के लिए मूवी की हीरोइन हीरो से प्यार का झूठा नाटक करती है। एक्टर्स की एक्टिंग आपको पूरी तरह सेटिस्फाई करेगी, पर मूवी की स्टोरी पता नहीं क्यों थोड़ी सी देखी देखी फील होती है। और ये मूवी YouTube पर अवेलेबल है। रोमांटिक मूवीज का मजा तब तक नहीं आता जब तक दोनों एक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री अच्छी ना हो। 2018 में रिलीज हुई मूवी लाइफ में ट्विस्ट, कहानी दो बेस्ट फ्रेंड्स की जिनकी शादी होने वाली होती है, पर वो दोनों शादी के दिन भाग जाते हैं। दोनों लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, पर मूवी को देखने के बाद कुछ नया और अलग एक्सपीरियंस नहीं होता। और ये मूवी YouTube पर अवेलेबल है। एक ट्रेन में ही पूरी मूवी को खत्म कर देना और उसमें वो रोमांटिक वाली फील लाना कोई छोटी बात नहीं है। 2016 में रिलीज हुई एक्सप्रेस खिलाड़ी, मूवी की कहानी एक पेनेट्री बॉय और एक टचअप गर्ल की लव स्टोरी पर बेस्ड है। मूवी की स्टोरी और एक्टिंग एक नंबर है, पर पता नहीं मूवी में हीरोइन को इतना डंप क्यों दिखाया गया। मूवी YouTube पर हिंदी में अवेलेबल है। वो जो पागलों की तरह चिल्ला रहा है वो मैं हूँ। नंबर 2 की मूवी हमें कुछ अलग कुछ हटके दिखाती है। अर्जुन 2018 में रिलीज हुई अर्जुन की दुल्हनिया, कहानी अर्जुन के अराउंड लिखी गई है जो एक लड़की को रिजेक्ट करके उसके प्यार में पड़ जाता है। 10 से 20 मिनट तक मूवी बोरिंग लगती है, पर उसके बाद दोनों एक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री हमारा दिल जीत लेती है। मूवी YouTube पर हिंदी में अवेलेबल है। इस खत को सीता महालक्ष्मी तक तुमको ही पहुंचाना है। रोमांटिक मूवीज की जगत में ऐसी मूवी का होना ही बहुत बड़ी। 2022 में रिलीज हुई मूवी सीता रामम, कहानी राम की है जिसे अचानक एक लेटर आता है उसकी बीबी के नाम से, मगर हैरानी की बात तो यह है कि उसकी शादी कभी हुई ही नहीं। इस मूवी के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। साफ शब्दों में कहूँ तो ऐसी प्योर लव स्टोरी आपने पूरी जिंदगी में नहीं देखी होगी, पर मूवी सैड एंडिंग के साथ खत्म होती है। बस यही खामी है मूवी। हॉट स्टार और अमेज़न प्राइम दोनों पर अवेलेबल है।